कोरोना महामारी की तैयारी को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। गुवाहाटी हाईकोर्ट की नागालैंड बेंच ने 10 दिनों के भीतर राज्य में 2 और कोरोना टेस्ट लैब स्थापित करने का आदेश दिया। इसके अलावा भविष्य में निःशुल्क टेस्ट के लिए भी संवेदनशील जगहों में और भी लैब शुरू करने को कहा गया है। नागालैंड बेंच ने सरकार को कोरोना महामारी से जंग में जुड़े कर्मियों को PPE मुहैया कराने का भी सख्त आदेश दिया है। वहीं 2 हफ्ते के भीतर राज्य में केवल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 2 अस्पताल की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारी संवाददाता सरा से। जी सरा, लापरवाही, एक तरह से हम इसे सरकार की लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब पहला मामला आया तो खुद स्वास्थ्य मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी और अब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी रश्मि, पहले हमने देखा है कि सब क्वालिटी स्टैंडर्ड का PPEs और सेफ्टी किट दिया था टू द हेल्थ वर्कर्स एंड देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हेल्थ वर्कर्स विद रिगार्ड टू दीज एंड कंप्लेंट्स हैव आल्सो बीन फाइल्ड एंड नाउ द High Court has given an order to the state government to resolve all these issues within a matter of 2 weeks. Just to put it on record, Rashmi, the state government, after all the complaints being received and also after the channel had highlighted about the substandard qualities of the safety equipment, the state government have formed 2 committees, a purchase committee and a quality committee. And they have admitted to their lapses in all these issues, and they have assured the state citizens and the health workers that no distribution of safety equipment will be done before the verification and the certification by these 2 particular committees. जी सरा, बार बार हम जिस तरह से देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के संकट को लेकर कहीं ना कहीं नागालैंड सरकार जो है वो लापरवाही बरत रही है, स्वास्थ्य कर्मियों को PPE किट का उपलब्ध कराने को लेकर हो या स्वास्थ्य मंत्री को खुद खबर नहीं होती है कि पहला जो मामला राज्य में आ गया है कोरोना पॉजिटिव का, लॉकडाउन के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, 34वां दिन है, ऐसे में किस तरह के हालात है वहाँ, क्या आज भी उल्लंघन हो रहा है वहाँ पे? Yes, Rishmi, definitely there has been a lot of communication gap and lapses from the state government and to handle situations here in the state. Just one positive case that also came about was the department was caught unaware of this. And with regard to the lockdown, there has been certain relaxations put forward by the district administrations, and we are expecting a few more relaxations to come about. The chief minister, after the video conference with the prime minister, have not specifically mentioned anything with regard to the state, whether the state of Nagaland will go for an extension or not, but definitely there has been some certain relaxations and people are following and complying with the orders that the government has issued. जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने नागालैंड सरकार को फटकार लगाई है कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए भी, जिस तरह से नागालैंड में लापरवाही बरती गई है उसके बाद हाई कोर्ट को सख्त होना पड़ा है और 10 दिन में 2 टेस्ट लैब स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।